हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका, और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं हमारी इन्वायरमेंट की लेसन, जो कि शंकर आईएएस एकेडमी की है। काफ़ी लेसन हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारी सिर्फ पार्ट फर्स्ट पट्टी बची हुई है और रेस्ट ऑफ द पार्ट को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लेसन, जो कि आज की लेसन हमारी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले डिफॉरेस्टेशन से। तीन तरीके के यहाँ पे हम लोग टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके थे प्रीवियस लेसन में, तो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लीजिए। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं डिफॉरेस्टेशन से और रेस्ट ऑफ द टॉपिक को भी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफॉरेस्टेशन से। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों की कटाई। ओके, बस ये सिंपली आप समझिए कि पेड़ों की कटाई को हम लोग कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। आज के डेट में आपको पता है डिफॉरेस्टेशन की केस बहुत ज़्यादा होते गई है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइनिंग ऑपरेशन, वुड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़, चाहे वो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए हो या फिर दूसरे पर्पज़ के लिए हो, या फिर हैवी डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट, इसके कारण हो रही है। यानी कि हमारे जो जंगल है वो ख़त्म होते जा रही है, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो रहे हैं, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से क्या होता है कि यहाँ पे जंगलों से जो रॉ मटेरियल जाते हैं, वुड जाते हैं, उससे यहाँ पे जो है इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होती है। माइनिंग ऑपरेशन में भी यहाँ पे आपका काम होता है, और लकड़ियों के जो एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है, चाहे वो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए हो या दूसरे पर्पज़ के लिए हो। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो अब आते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि कॉजेज़ क्या क्या है, क्या क्या कारण है डिफॉरेस्टेशन का। सबसे पहला कारण है हमारे यहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। आपको पता है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री में और बहुत ही फेमस है। इस प्रैक्टिस में क्या होता है कि एक पैच ऑफ लैंड को क्लियर किया जाता है और वेजिटेशन जो भी बचे रहते हैं, यानी कि जब वहाँ पे आपका प्रोडक्शन होती है क्रॉप की, जब कटाई हो जाती है क्रॉप की, तो वो लैंड में जितने भी रेसिड्यू बच जाते हैं तो उसको क्या करते हैं कि वो लोग ओपनली बर्न कर देते हैं, और फिर उसके बाद जो है वहाँ उस लैंड को छोड़कर दूसरे लैंड में जो है कल्टीवेट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये शिफ्ट होते जाते हैं, एक जगह एक पैच ऑफ लैंड को यूज़ करते हैं, उसके बाद इसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरे पैच ऑफ लैंड के पास चले जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? शिफ्टिंग, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। उसके बाद दूसरी है यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है। आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड में हम लोग सेकंड नंबर पे आते हैं, और एक रिपोर्ट ने ये बताया था कि 2027 तक हम लोग इंडिया चाइना को भी सरपास कर लेंगे और वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री में काउंट होंगे। तो ह्यूमन पॉपुलेशन काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है, तो इनके रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब रिक्वायरमेंट को यहाँ पे फुलफ़िल करने के लिए हम लोग के प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट टाइप की चल रही है, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, बड़े बड़े डैम बनाए जा रहे हैं, रिजर्वायर बनाए जा रही है, रेलवे लाइन बहुत ज़्यादा बिछाया जा रहा है, रोड बनाए जा रहे हैं, कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या किया जा रहा है कि सबसे पहले जंगलों को काटा जा रहा है, तो ये एक मेन रीज़न है। थर्ड है कि फ्यूल रिक्वायरमेंट, जो हमारी डिमांड है फायरवुड का, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने के कारण वो भी बढ़ते जा रहा है। तो फायरवुड का जो डिमांड है हमारी, वो सबसे ज़्यादा डायरेक्टली प्रेशर किस में हो रहा है? तो हमारे फॉरेस्ट में हो रहा है, जंगलों में हो रहा है। फिर रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट भी है। वुड की बात करें तो ये रॉ मटेरियल जैसा इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, जिसमें कि हम लोग पेपर वगैरह बनाते हैं, प्लाईवुड हो गया, फर्नीचर हो गया, और मैचस्टिक हो गई, बॉक्सेस हो गई, पैकिंग केसेस हो गई। तो ये सारी चीज़ें हम लोग की कहाँ से बनती है? तो लकड़ियों से बनती है, जो कि हम लोग फॉरेस्ट से लाते हैं। फिर और भी कॉजेज़ हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन क्या है, तो हमारी ओवर ग्रेजिंग, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा जो जानवर लोग चरते हैं, जिसको ग्रेज कहते हैं, तो ज़्यादा उन लोग के खाने से भी, ग्रेज करने से भी होता है, एग्रीकल्चर करने से भी हमारे डिफॉरेस्टेशन हो रही है, खनन वाला प्रयोग करने से भी, अर्बनाइजेशन से भी, खाने के लिए फ्लड के कारण भी, फायर हो गया, बहुत ज़्यादा जंगलों में आग भी लग रही है अब, तो आग लगने से भी हमारी जो है डिफॉरेस्टेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा डिजीजेज है, पेस्ट्स है, तो ये सारी चीज़ों के कारण जो है हमारी डिफॉरेस्टेशन भी हो रही है। तो ये तो हम लोग समझ गए कि कॉजेज़ क्या क्या है, लेकिन ये अब आपको समझना है कि ये कैसे अफेक्ट कर रही है। हम लोग तो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बस न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और जो भी यहाँ पे जो भी हमारे किताबों में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये आपको समझने का ज़रूरी है कि यहाँ पे हम लोग इस चीज़ पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं, क्यों है डिफॉरेस्टेशन, क्यों हम लोग को पढ़ाया जा रहा है कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इसके कारण क्या है और ये कैसे अफेक्ट करेगी, ये समझने का ज़्यादा ज़रूरी है। जो क्लोज्ड फॉरेस्ट होते हैं, जैसे कि कैनोपी लेवल का, तो ये आपका डिमिनिश्ड होती है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है कि डिग्रेडेड फॉरेस्ट जो है इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि पेड़ काट रहे हो तो इससे क्या हो रहा है, एक दो पेड़ काटने से ही आपका जंगल ख़त्म नहीं होता है, जंगल में बंचेस ऑफ ट्रीज़ होते हैं, तो पेड़ काटने से क्या हो रहा है कि हमारा फॉरेस्ट ख़त्म हो रहा है। फॉरेस्ट जो है हमारे मॉइस्चर को रिसाइकिल करती है, यानी कि सॉइल से जो है मॉइस्चर वो इमीडिएट एटमोसफेयर में वो रिसाइकिल करती है, वो भी ट्रांसपिरेशन के थ्रू। डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है कि इमीडिएट लोअर होता है, यानी कि ग्राउंड वाटर की लेवल जो है वो हमारी
कम होती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि डिफॉरेस्टेशन पेड़ों की कटाई करते हैं, तो आज के डेट में ये भी कंप्लेन है कि जो हमारे ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी कम हो गई है। तो इसके पीछे रीज़न हमारे डिफॉरेस्टेशन है। डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या होता है कि जो नेचुरल रीयूज साइकिल है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, वाटर भी कहीं ना कहीं लॉस होती है। बहुत सारी जो माइनिंग एक्टिविटी है इंडिया में वो यहाँ पे फॉरेस्ट रीजन में ही होती है, तो वो लोग को माइनिंग एक्टिविटी करने के लिए ऑब्वियस है कि वो लोग डिफॉरेस्टेशन करेंगे, यानी कि पेड़ों की कटाई करेंगे। अंडरग्राउंड माइनिंग जो होती है ना, ये आपको देखने को मिलेगा, जिसके कारण टिम्बर को यूज़ किया जाता है कि वो रूफ़ को यहाँ पर सपोर्ट करें, तो उसके कारण भी पेड़ों को काटा जाता है। एक लार्ज नंबर ऑफ एबंडेंट माइंस जो है वो यहाँ पर बैड शेप लेती है, और ये एक्सटेंसिव गली इरोजन्स भी लेती है, जिसके कारण हमारी जो हैबिटाट है वो डिग्रेड होती है। डिफॉरेस्टेशन हमारे बायोटा को और नेबरिंग जो इकोसिस्टम है उसको भी अफेक्ट करती है। सॉइल इरोजन होता है, जैसे मैं बताई थी कि जंगलों में जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं उनकी जो जड़ होती है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, तो वो जो है बहुत अच्छे से सॉइल को पकड़ के रखती है। लेकिन अगर हम लोग पेड़ को ही काट देंगे तो क्या होगा कि सॉइल ढीली हो जाएगी, और उसको वो जो है हवा के कारण, पानी के बहाव के कारण एक जगह से दूसरी जगह वो आराम से डिस्प्लेस हो जाएगी। तो टॉप लेयर में जो सॉइल होती है ना, वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। अगर वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो रही है, इट मीन्स कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं डिग्रेड हो रही है। तो हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर लैंड डिग्रेडेशन की बात करें, यानी कि भूमि जो है ना वो पूरी तरीके से बर्बाद हो रही है, फर्टाइल नहीं है, वहाँ पे आपका क्रॉप कल्टीवेशन करने के लायक नहीं है। ग्राउंड वाटर जो चैनल है वो भी अल्टर हो रही है, पॉल्यूशंस होता है, स्कार्स हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको डिफॉरेस्टेशन के कारण देखने को मिलेगी। तो काफ़ी अच्छी टॉपिक है, आपको ये समझ में आया कि डिफॉरेस्टेशन से क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब आते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे कंट्री में पूरे ग्लोब में भी अगर आप लोग बात करो तो ऐसा नहीं है कि पूरे सिर्फ ट्रीज़ की ही फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड भी है, यानी कि घासों का मैदान भी है, और इसमें भी आपको इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। तो ये जो ग्रासलैंड है ये मेनली वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे रेनफॉल आपकी 25 से 75 सेंटीमीटर हर एक साल होती है। ये इतना इनफ नहीं होता कि वहाँ पे ट्रीज़ हो, फॉरेस्ट हो, ओके, यानी कि रेनफॉल बहुत कम होती है। फॉरेस्ट, पेड़ पौधे, फल फूल कहाँ होते हैं? जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, पानी की ज़रूरत होती है, पानी है तो वो लोग फ्लरिश होंगे, पानी नहीं है तो वहाँ पे बंजर भूमि होगी। तो यहाँ पे आपका ज़्यादा मॉडरेट लेवल की बारिश होती है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग जो कहते हैं इसको ग्रासलैंड कहते हैं। तो यहाँ पे टिपिकल ग्रासलैंड है जो कि वेजिटेशन फॉर्मेशन है, और ये जनरली हमारे टेम्परेट क्लाइमेट में ही पाई जाती है। इंडिया की बात करें तो मेनली ये हाई हिमालय में पाई जाती है, साथ ही रेस्ट ऑफ द इंडिया की ग्रासलैंड जो है वो मेनली यहाँ पे स्टिपीज़ है या फिर सवानाज़ है। तो मेजर डिफरेंस बिटवीन अगर हम लोग स्टिपीज़ और सवाना की देखें तो सारे जो फॉरेज होते हैं स्टिपीज़ में वो यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं सिर्फ ब्रीफ, यानी कि जो गीला सीज़न होता है तभी। लेकिन सवाना की बात करें तो यहाँ पे जितने भी फॉरेस्ट होते हैं वो यहाँ पे ग्रासेस से ही आपका फॉर्म होते हैं, और ना कि ये सिर्फ ग्रो करते हैं ग्रासेस से, ये सिर्फ ग्रो करते हैं, बल्कि वेट सीज़न में ये थोड़ा बहुत ग्रो भी करते हैं, लेकिन ड्राई सीज़न में भी ये आपका ग्रो करते हैं, ओके। तो ये आपको मेन डिफरेंस देखने को मिलेगा, यानी कि स्टिपी में क्या है कि ये सिर्फ वेट सीज़न में ही ग्रो करते हैं यहाँ पे ग्रास, और सवाना में क्या है कि वेट और ड्राई सीज़न दोनों में यहाँ पे ग्रासेस जो है वो आपका ग्रो करती है। स्टिपी फॉर्मेशन की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स से पूछी जा चुकी है। तो स्टिपी फॉर्मेशन की बात करें तो लार्ज एरिया लेती है सैंडी और सलाइन सॉइल की, साथ ही ये वेस्टर्न आपकी राजस्थान में भी है। वही क्लाइमेट देखें तो सेमी एरिड है, एरिड कहने का मतलब है कि पूरी तरीके से डेजर्ट वाली, लेकिन सेमी एरिड है कि यहाँ पे आपका मीड आपका यानी कि हाफ़ डेजर्ट है, हाफ़ यहाँ पे फर्टाइल है। एवरेज रेनफॉल जो है ये 200 मिलीमीटर से भी कम होती है एक साल में, और यहाँ पे ड्राई सीजन्स जो है वो ऑलमोस्ट 10 to 11 मंथ्स होती है, और लार्ज वेरिएशन आपको रेनफॉल की देखने को मिलेगी। ये जो सॉइल है ये ऑलवेज आपका एक्सपोज होता है, समटाइम्स रॉकी भी होती है, लेकिन मोर ऑफन आपको सैंडी भी देखने को मिलेगी। तो सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट अगर हम लोग राजस्थान में देखें, जहाँ पे रेनफॉल जो है वो आपका 500 मिलीमीटर पर ईयर होती है, और ड्राई सीज़न भी यहाँ पे 6 to 8 मंथ्स होती है। ड्राई सवाना ग्रेजिंग इकोसिस्टम देखें तो वो उस समय डेवलप हो जाती है। अब देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड कितनी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहली है कि सेमी एरिड जोन, यानी कि हाफ जो हमारी डेजर्ट वाली जोन होती है, यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारी गुजरात की नॉर्दर्न पार्ट है, राजस्थान है, वेस्टर्न यूपी है, दिल्ली है, और पंजाब वाली है। अरावली यहाँ पे नहीं आती है। तो टोपोग्राफी जो है ना ये आपका हील स्पर्स में और सैंड ड्यून्स में ब्रोकन है। वहीं अगर ड्राई सब ह्यूमिड जोन देखें तो यहाँ पे हमारी जो पेनिनसुला इंडिया है इसको पूरी तरीके से ये कवर करती है। वहीं अगर हम लोग मॉइस्ट सब ह्यूमिड रीजन देखें तो यहाँ पे आपका जो है गंगा एलुवियल वाली जो प्लेन है ना नॉर्थ इंडियन में उसको कवर करती है। टोपोग्राफी की बात करें तो ये इसकी जो लेवल है वो लो लेइंग है और इल ड्रेन्ड भी है। ह्यूमिड माउंटेन रीजन की बात करें तो ये हमारे ह्यूमिड माउंटेन रीजन जो है ना ये आपका एक्सटेंड है ह्यूमिड माउंटेन रीजन से लेकर मोस्ट सब ह्यूमिड एरिया जो कि असम की है, मणिपुर की है, वेस्ट बंगाल की है, यूपी की है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर की है।
तो ये जो सवाना है ये हमारे ह्यूमिड फॉरेस्ट से ही ड्राइव होते हैं, वो भी यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन से और शिप ग्रेजिंग को लेकर। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अगर हम लोग देख लें, यानी कि मेनली यहाँ पे चार तरीके की ग्रासलैंड हो गई, सब एरिड, सेमी एरिड, उसके बाद ड्राई सब ह्यूमिड, और यहाँ पे मॉइस्ट सब ह्यूमिड और ह्यूमिड माउंटेन। ओके, तो ये चार तरीके का है। ह्यूमिड माउंटेन रीजन मतलब कि माउंटेन वाला रीजन जहाँ पे आपका थोड़ा बहुत नमी भी है। अब इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि ग्रासलैंड की इंपॉर्टेंस क्या है। ये जो लाइवली स्टॉक होती है, लाइव स्टॉक वेल्थ जो होती है, एक काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है इंडियन लाइफ में। मेजर सोर्स है हमारे फ्यूल का, ड्रॉट पावर का, न्यूट्रिशन का, रॉ मटेरियल का, जो कि विलेज इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। सिर्फ ओनली आप देखोगे कि 30 मिलियन हेक्टेयर जो इन कंट्री में है वो यहाँ पे क्लासिफाई की गई है परमानेंट ग्रेजिंग लैंड जैसा। और ग्रासलैंड बायोम्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारे पॉपुलेशन, जो कि बहुत सारे डोमेस्टिकेटेड और वाइल्ड हर्बीवर्स है उसको मेंटेन करने में। इंडियन ग्रासलैंड और फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो कि झांसी में है, और सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि जोधपुर में है, तो ये दोनों के बारे में भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। अब ग्रेजिंग का इम्पैक्ट क्या होता है, यानी कि चरना, जैसे जानवर लोग जो चरते हैं उससे क्या इम्पैक्ट होता है। हेवी ग्रेजिंग से क्या होता है ना कि हमारी जो ग्रासलैंड की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि हमारी जो सॉइल रेसिड्यू की जो मल्च कवर है वो यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपकी ह्यूमस की कवर के कारण एब्सेंस हो जाता है। क्योंकि ग्रेजिंग से क्या होता है कि ह्यूमस की जो प्रेजेंट होती है सॉइल में वो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, तो मिनरल सॉइल सरफेस जो है वो भी यहाँ पे आपकी ख़राब हो जाती है। यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे हमारे एनर्जी जो फ्लो है उसके भी रिडक्शंस होती हैं, डिसरप्शंस होती है हमारे स्ट्रेटिफिकेशंस में, वाटर और जो विंड इरोजन है वो भी कम्प्लीटली यहाँ पे हमारे ड्राई ग्रासलैंड जो माइक्रो क्लाइमेट है उसको यहाँ पे बर्बाद करती है। अब यहाँ पे फायर यानी आग का क्या रोल है ये समझते हैं। फायर जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे ग्रासलैंड को ही यहाँ पे मेंटेन करने के लिए। तो मॉइस्ट कंडीशन में देखें तो फायर जो है ना ग्रास को फेवर करती है ट्रीज़ में, वहीं अगर हम लोग ड्राई कंडीशन में देखें तो फायर जो है वो ऑफन नेसेसरी होती है कि हम लोग ग्रासलैंड को कैसे मेंटेन करें। बर्निंग जो है वो हमारी फॉरेज यील्ड को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है। तो ये सारी रोल है हमारे फायर की। डेजर्ट इकोसिस्टम में आते हैं अब हम लोग, यानी कि मरुस्थलीकरण में। तो डेजर्ट हम लोग उसको कहते हैं जहाँ पे लेस दैन 25 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल होती है, साथ ही रेन की बहुत ज़्यादा कमी होती है और मरुस्थलीकरण हो जाता है। डेजर्ट पूरी तरीके से मरुभूमि हो जाती है वो। तो क्लाइमेट अगर इस बायोम की देखें तो वहाँ पे आपका एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड है। अगर हाई एल्टीट्यूड में देखें और साथ ही ग्रेटर डिस्टेंस देखें जो कि इक्वेटर से है, तो डेजर्ट जो है वहाँ पर कोल्ड होती है, हॉट होती है इक्वेटर के अगल बगल और ट्रॉपिक के अगल बगल। उसके बाद अगर हम लोग देखें, क्योंकि वाटर जो है वो डोमिनेंट है, एक लिमिटिंग फैक्टर्स है, तो जो ग्रीन जो यहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी है डेजर्ट की वो ऑलमोस्ट डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है रेनफॉल पे। वहीं अगर सॉइल की बात करें तो वो सूटेबल है, इरिगेशन जो है वो यहाँ पे कन्वर्ट करती है डेजर्ट को प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर लैंड में भी। तो ये सारी चीज़ें हैं। एडेप्टेशन की बात करें तो डेजर्ट प्लांट जो है ना वो यहाँ पे हॉट एंड ड्राई कंडीशन में ही होती है, तो ये सारी प्लांट जो है वाटर को काफ़ी अच्छे से कंजर्व करके रखती है। और मोस्टली ये शर्ब्स होते हैं, यानी कि पतझड़ वाले नहीं होते हैं, इसमें आपको शर्ब देखने को मिलेगा। लीव्स बहुत छोटे होते हैं या तो नहीं भी होते हैं, आपको कैक्टस वाले लीव्स देखने को मिलेगा, जो कि ये वाटर को बहुत अच्छे तरीके से लंबे समय तक लिए होल्ड करके रख सकते हैं। एनिमल की बात करें तो फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली और बिहेवियरली वो यहाँ पे डेजर्ट कंडीशन को काफ़ी अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे फास्ट रनर होते हैं, आप लोग कैमल वगैरह देखे हो, जो कि वाटर को काफ़ी ज़्यादा कंजर्व करके रखते हैं। नॉक्टुरल इन हैबिट होते हैं। लिजार्ड जो है मोस्टली यहाँ पे इंसेक्टिवर्स हैं, जो कि यहाँ पे बिना पानी को पिए बहुत दिन तक रह सकती हैं। एनिमल्स और बर्ड्स की बात करें तो उनके लॉन्ग लेग होते हैं, जो कि वो हॉट ग्राउंड से अपने आप को काफ़ी दूर रखते हैं। हर्बीवर्स एनिमल्स हैं जिनको सफिशेंट वाटर चाहिए होती है। कैमल है जो कि हमारे शिप ऑफ डेजर्ट उनको कहा जाता है, तो ये भी एडेप्टेशन भी है। इंडियन डेजर्ट की बात करें तो आपको पता है कि हमारी जो थार डेजर्ट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हॉट है। जो क्लाइमेट इस रीजन की वो यहाँ पे एक्सेसिव ड्रॉट है, रेनफॉल भी यहाँ पे बहुत कम होती है और इरेगुलर है। विंटर रेन्स जो है हमारी नदर इंडिया की वो ये रेयरली पेनिट्रेट करती है इस रीजन में। और नवंबर टू मार्च वाली रीजन देखें तो यहाँ पे एक्सट्रीम वेरिएशन है टेम्परेचर का, और टेम्परेचर यहाँ पे फ्रिक्वेंटली हमारी फ्रीजिंग पॉइंट से कम है, रात में फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो जाती है। यानी कि थार डेजर्ट में आपको पता है कि दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और रात में उतनी कम टेम्परेचर होती है। अप्रैल से जून के मंथ में देखें तो हीट जो है बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है, ये तो हमारे ऑल ओवर इंडिया में होती है, तो समझिए डेजर्ट वाले रीजन में क्या होती होगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें एटमोसफेयर की तो बहुत कम होती है। फ्लोरा की बात करें यानी कि कैसे फ्लावर्स होते हैं, तो फ्लावर्स आप लोग देखोगे कि डेजर्ट प्लांट जो है दो तरीके के होते हैं, या तो ये रेन पर डिपेंड करने वाले होते हैं या तो हमारे सबटेरेन वाटर पर डिपेंड करने वाले होते हैं। तो यहाँ पे भी आपको इतना ज़्यादा ये जो है फ्लोरा जो है इस तरीके के होते हैं। फौना की बात करें एनिमल, तो यहाँ पे आपको पता है कुछ इंडिया के मोस्ट मैग्निफिकेंस जो यहाँ पे ग्रासलैंड है और सेंचुरी है ग्रेट इंडियन बस्टर की, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। अगर मैमल में देखें तो हमारे ब्लैक बक है, वाइल्ड एस है, चिंकारा है, काराकल है,
ये सारी है जो कि पाई जाती है। नेस्टिंग ग्राउंड अगर हम लोग देखें फ्लैमिंगोज़ की, तो वो भी यही है। और ओनली लोन पॉपुलेशन ऑफ एसिएटिक वाइल्ड एस जो है वो हमारे ग्रेट रन गुजरात में पाई जाती है। तो ये सारी कुछ है, यहाँ पे आपको फौना का भी पता होना चाहिए। अब एक है हमारी हॉट डेजर्ट जो कि थार डेजर्ट है, दूसरी आती है कोल्ड डेजर्ट। यानी कि कोल्ड डेजर्ट इंडिया की देखें तो यहाँ पे हमारे लद्दाख की, लेह की, कारगिल जो कश्मीर की है, स्पीति वैली जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश की है, तो ये हमारी कोल्ड डेजर्ट आती है। कुछ हमारे नॉर्दर्न उत्तरांचल और सिक्किम वाले एरिया में भी देखने को मिलेगा। ये एरिड एरिया होती है जो कि हमारे इंडियन मानसून से अफेक्ट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो रेंज हिमालय की जो रेंज शेडो में है उसमें पाई जाती है। जैसे कि हिमालय आप देख सकते हो, इस तरीके से हिमालय होती है, ये हमारी जो है रेन रेन साइड होती है और ये हमारी रेन शैडो होती है। तो यहाँ पे रेन शैडो वाली एरिया में इस तरीके के कोल्ड डेजर्ट पाए जाते हैं। ओके, इसकी कैरेक्टरिस्टिक आप देखोगे तो यहाँ पे एरिड कंडीशन जो है, ड्राई एटमॉस्फेयर होती है, टेम्परेचर भी 0 डिग्री से कम होती है मोस्ट ऑफ द पीरियड, और -50 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है विंटर में। और मानसून अगर देखें तो इतना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं होता है। हीवी स्नोफॉल होती है, वो भी नवंबर और मार्च में। सॉइल टाइप देखें तो स्कैंडी से स्कैंडी लोम है, और सॉइल पीएच देखें तो न्यूट्रल टू स्लाइट अल्कलाइन है। सॉइल न्यूट्रिएंट की बात करें तो पुअर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट है सॉइल में, यहाँ पे लो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है। विंड इरोजन की बात करें तो आराम से कॉमन है, होता ही है। और यहाँ पे अगर हम लोग नैरो ग्रोइंग पीरियड देखें तो मोस्टली यहाँ पे समर में ही होती है। और एफोर्सिड एक्सट्रीम अगर कोल्ड कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो वेजिटेशन का जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो होता है। तो आप लोग को पता है कि वेजिटेशन की ग्रोथ में टेम्परेचर और रेनफॉल दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जहाँ पे भी टेम्परेचर और रेनफॉल नहीं होता वहाँ पे हमारी जो वेजिटेशन की ग्रोथ है वो बहुत कम होती है। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो कोल्ड डेजर्ट जो है हमारे हाईली एडेप्टिव रेयर इंडेंजर्ड फौना जैसे एसिएटिक इबेक्स देखने को मिलेगा, तिब्बतन अर्गाली है, लद्दाख उरियाल है, ये सारे ऐसे है जो कि यहाँ पर आपके पाए जाते हैं। कोल्ड डेजर्ट में आपको अल्पाइन मेसोफाइट्स और डेजर्ट वेजिटेशन देखने को मिलेगा। डाई टेम्परेचर जोन देखें तो ये बेतुला है, सेलिक्स है, साथ ही अल्पाइन जोन की बात करें तो जूनिपर है। इतना ज़्यादा आपको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है और कर भी नहीं पाएंगे आप लोग, तो रिलैक्स रहिए, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको वही बता रही हूँ। अब आते हैं डेजर्टिफिकेशन, जैसे कि जैसे कि हम लोग डिफॉरेस्टेशन देखे थे तो वो क्या था कि पेड़ों की एक्सेस कटाई। ओके, और डेजर्टिफिकेशन क्या है कि मरुस्थलीकरण हो जाना। यानी कि डेजर्ट तो ठीक है, डेजर्ट में कुछ कुछ आपको देखने को मिलेगा कि कुछ फौना फ्लोरा भी रहते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं, लेकिन डेजर्टिफिकेशन ऐसा केस है जहाँ पे जो है एक्सट्रीम केस हो जाती है। एरिड और सेमी एरिड रीजन में आप देखोगे तो जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है उसका जो रीस्टोरेशन है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। डिफॉरेस्टेशन वाला इश्यूज़ के कारण माइनिंग जो है बहुत ज़्यादा डेजर्टिफिकेशन को इन्हेंस करती है। डेजर्टिफिकेशन मेन प्रॉब्लम है जो कि यहाँ पे डेजर्ट में रहने वाले जितने लोग हैं उनको यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, और कुछ हमारे कंट्री में आप देखोगे तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ओके, कॉजेज़ क्या है डेजर्टिफिकेशन का, क्योंकि पॉपुलेशन प्रेशर पड़ रहा है, आप लोगों को ये पता है, हमारी कैटल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग हो रहा है, एग्रीकल्चर बढ़ रही है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। पहले तो हम लोग डिफॉरेस्टेशन के कारण देख रहे थे, लेकिन अब डिफॉरेस्टेशन भी किसी चीज़ का कारण है। एक्सेस डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या होती है कि हमारी सॉइल फर्टाइल नहीं रहती है, तो उसके कारण भी बंजर भूमि हो जाती है और उसको हम लोग डेजर्टिफिकेशन भी करार कर देते हैं। अब इंडियन डेजर्टिफिकेशन का अगर स्टेटस आप देखना चाहो तो यहाँ पे क्या होता है कि एज़ पर जो डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया है जो कि 2007 की है, तो कंट्री में अगर परसेंटेज देखें जो कि ड्राई लैंड के अंदर है तो 69.6 है, इट मीन्स कि 70% तक है। तो टोटल एरिया जो कि यहाँ पे हमारे लैंड डिग्रेडेशन के प्रोसेस में है वो 105 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि हमारी 32% है इंडिया के टोटल लैंड एरिया में। 81 मिलियन हेक्टेयर एरिया ऑफ कंट्री है जो कि हमारे डेजर्टिफिकेशन के अंदर है। कंट्रोल मेजर्स देखें तो इंडिया सिग्नेटरी है हमारी UNCCD की, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जो नेशनल एक्शन प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम लोग डेजर्टिफिकेशन से बचने का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ जो मेजर प्रोग्राम यहाँ पे लिया जा रहा है जैसे इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया है, और मनरेगा है, साथ ही सॉइल कंजर्वेशन है, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, फॉर्डर है, फीड डेवलपमेंट है। तो ये सारी कुछ ऐसी है जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप्स लिया गया कि किस तरीके से यहाँ पे होने वाली यानी कि डेजर्टिफिकेशन से होने वाली समस्या को हम लोग रोक सकें। एफॉरेस्टेशन है यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ रोपण करना है, जितना ज़्यादा आप लोग पेड़ काटते हो उससे ज़्यादा आप लोग पेड़ लगाओ तो इस तरीके का प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। अब इसके अलावा आप लोग को पता है कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट निकल कर आती है, तो 2017 की है लेकिन 2019 की भी पब्लिश हो चुकी है। तो आप लोग को ये याद रखना है कि बायनियल बेसिस पे होता है, 2 साल में एक बार आती है, और स्टार्ट जो हुई थी ये आपका 1987 से हुआ था, और ये जो पब्लिश किया जाता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश किया जाता है।
इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में क्या होता है, यहाँ पे आपके जितने भी फॉरेस्ट हैं उसके बारे में बताया जाता है कि ओवरऑल फॉरेस्ट में इंक्रीज़ हुई डिक्रीज़ हुई है, किस स्टेट में आपका प्रीवियस ईयर से इंक्रीज़ हुई और किस स्टेट में आपका प्रीवियस ईयर से डिक्रीज़ हुई है। साथ ही यहाँ पे आपका मैंग्रोव्स के बारे में बताया जाता है, यहाँ पे आपके कोरल रीफ्स के बारे में बताया जाती है, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया जाती है, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट में क्या यहाँ पे आपका सिचुएशन है उसके बारे में बताया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपका इस रिपोर्ट के अंदर कवर की जाती है, लेकिन ये 2017 की रिपोर्ट है तो ये पुरानी हो चुकी है, मैं इसको अभी नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि अभी की जो रिपोर्ट है लेटेस्ट आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे बोलोगे तो मैं उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपको हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, तो डिटेल में मैं डिस्कस कर सकती हूँ, लेकिन आप लोग अगर चाहोगे तो ही मैं लेसन बनाऊंगी, क्योंकि लेसन बनाती हूँ और आप लोग देखते नहीं हो, बहुत ही कम व्यूज होता है तो फिर मेहनत जो है वेस्ट हो जाती है, तो इसलिए बस आप लोग की डिमांड पे ही मैं बनाने वाली हूँ। तो अगर आप लोग बोलोगे तो लेटेस्ट, नहीं तो आप लोग भी लेटेस्ट पढ़ सकते हो, बहुत बार न्यूज़पेपर में भी आ चुकी थी तो उसे भी आप लोग कवर कर सकते हो, PIB में भी है तो आप लोग कवर कर सकते हो। ओके, सो गाइस हमारी ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो लैंड में तो हम लोग देख लिए किस किस तरीके की इकोसिस्टम है और काफ़ी डाइवर्स है नो डाउट, लेकिन एक्वेटिक इकोसिस्टम देखेंगे कि हमारे ओशन के अंदर भी किस तरीके की इकोसिस्टम है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी कुछ न्यू जानने को मिलेगा आप लोगों को। तो चलिए आज के लिए बस इतने ही, अगर आपको ये लेसन हेल्पफुल लगे या फिर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स में शेयर कर सकते हैं, फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो आप कमेंट कीजिएगा, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।